जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि ये जो समय अब आ गया है ना आपका, ये वो समय आ गया आपकी वर्दी के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। या तो आप इसको जाने दीजिए या फिर इसमें जान लगा दीजिए। ये वो समय आएगा आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि भर्ती बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन आना शुरू कर दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम बात करेंगे कि कांस्टेबल और यूपी का नोटिफिकेशन किस दिन आएगा और एग्जाम की कंपनी मिली है या नहीं मिली है। कुछ पढ़ाई से संबंधित जो जरूरी बात है आपको, मैं बताऊंगा। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो हमारे पर, तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें पढ़ाई से संबंधित चीजें या आपकी जो भी अपडेट आती है भर्ती संबंधित वो डालता रहता हूं, उसको एक बार ज्वाइन कर लें, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप सभी को पता है, मैंने यहां सबसे ऊपर लिख दिया कि भर्ती बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो कुशल खिलाड़ियों की भर्ती थी उसको लेकर के उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आप सभी को पता है उसमें जो पदों की जो संख्या है वो लगभग 500 प्लस है, ठीक है। वो 500 प्लस उसमें जो पदों की संख्या रखी गई है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए फॉर्म अवश्य भरें, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि आपकी जो आगे आने वाली वैकेंसी है उनके लिए हम जो कंपनी का इंतजार कर रहे थे वो कंपनी एग्जाम कराने के लिए भर्ती बोर्ड को मिली है या नहीं मिली है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आप सभी को पता है कि रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती है, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर वाली जो भर्ती है उसके एग्जाम की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। तो आप सभी को पता है जब एग्जाम की उसकी डेट फिक्स हो चुकी है तो भर्ती बोर्ड अब तक कोई भी एग्जाम की डेट फिक्स नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि अब तक कंपनी नहीं मिली थी। जब कंपनी मिल जाएगी उसके बाद ही तो वो एग्जाम की डेट क्लियर करेंगे। तो जब इसके लिए कोई एग्जाम के लिए कंपनी मिल गई है तो आप ये मान सकते हैं कि आपके इन सभी एग्जाम के लिए कंपनी मिल चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि सभी एग्जाम के लिए अलग अलग कंपनी तो आएगी नहीं, कोई एक कंपनी ही वो सबका टेंडर ले लेगी, ठीक है। तो इस वजह से आप कंपनी की अब टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो डेट है वो आ चुकी है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अब हमारी कंपनी की जो है वो फिक्स हो गई है। दूसरी बात, अब मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी कंपनी होगी वो किसी भी तरीके की रहे, कैसी भी रहे, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। क्योंकि कंपनी ये नहीं देखेगी कि आप कितनी तैयारी की या नहीं की। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो कांस्टेबल और यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन आएगा इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए बात बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी बुक की बात करें हम, तो ये चक्षु प्रकाशन की बुक है, आप इसको ले सकते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात मैं बताऊं, ये बिल्कुल एक स्टडी गाइड बुक है। अगर हम इसकी स्टडी गाइड बुक की बात करें तो इसमें आपको लगभग 3 से 3,500 प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। इसी के साथ साथ आपको इनके प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में भी आपको 2,500 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से उनका भी सॉल्यूशन इनमें दिया गया है। और इसके साथ साथ इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 5 सॉल्व पेपर है। क्योंकि आपको पता है कि सॉल्व पेपर लगाने का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और उनसे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो पेपर है वो किस तरीके का आता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको मिल जाएंगी। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस करना और पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं आपके कांस्टेबल एंड यूपीएसआई के नोटिफिकेशन को लेकर के। तो देखिए, आप सभी को पता है ये जो अभी 2-3 दिन पहले आपको पता है न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई थी, न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई थी उसमें आपको बताया गया था 62,000 वैकेंसी को लेकर के। और उसमें आपके भर्ती बोर्ड द्वारा जो कुशल खिलाड़ियों की जो वैकेंसी बताई गई थी उसमें लगभग शायद उसमें 540 के आसपास बताई गई थी। तो अब जो वैकेंसी आई है आपकी वो 520 के आसपास आई है, ठीक है। तो इसमें लगभग 20-25 वैकेंसी का अंतर है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो भर्ती की जो अपडेट आई थी उस न्यूज़पेपर में वो लगभग बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो खुशी की बात, जो उसमें कांस्टेबल के 52,000 और यूपीएसआई के जो पद बताए जा रहे हैं उतने ही आने की बिल्कुल पूरी संभावना है। दूसरी बात, इसकी अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो देखिए, आप सबको पता है कि भर्ती बोर्ड द्वारा ये जानकारी आपको मिल ही गई होगी न्यूज़पेपर के द्वारा। दूसरी बात, आज ये जो नोटिफिकेशन ये आउट कर दिया गया है और धीरे धीरे आपके सभी नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगे। आपका कांस्टेबल का भी आएगा और आपका यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी आएगा। और यह मान करके चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है नोटिफिकेशन। तो इसलिए आप अपनी किसी भी तरीके से पढ़ाई में पीछे नहीं रह जाएं। मेरे कहने का बस मतलब यही है कि जितने भी सारे यही दो नोटिफिकेशन नहीं, ये दो नहीं, दो से जितने भी आपके और उसमें दिए गए रेडियो ऑपरेटर के और जेल वार्डर के, उसमें जेल वार्डर की भी वैकेंसी है, ठीक है, आप सबको पता है कि उसमें जेल वार्डर की भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी वैकेंसी भी आएगी। और आप एक काम करिए,
आप जैसे कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस, इनकी आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे अलग अलग जो तैयारी है वो उसकी करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ नीचे जो सबसे जरूरी है आप सभी के लिए कि पढ़ाई में इस बात का रखें ध्यान। अब मैं आपको बताऊँ किस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको पढ़ते पढ़ते ये फील हो जाए कि मैं अब नहीं पढ़ रहा या थक गया हूँ या अभी वैकेंसी नहीं आ रही, हम बाद में पढ़ेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा या जब आपका जो एग्जाम डेट है वो आ जाएगी, तो एक बार उनको ध्यान कर लेना जिनके साथ ये जो हुआ है ना खेला रेडियो ऑपरेटर वालों के साथ, ठीक है जी। ये जो रेडियो ऑपरेटर वाली जो एग्जाम डेट आई है ना उनके साथ इतना बड़ा खेला हुआ है। क्या हुआ है, क्योंकि कुछ भाई बहन नहीं, ज़्यादातर मैं आपको बताऊं वो इंतजार कर रहे थे कि जब हमारी एग्जाम की डेट आ जाएगी उसी टाइम पे हम तैयारी करेंगे, और एग्जाम की डेट आ गई भैया जनवरी में, ठीक है। एग्जाम की डेट आ गई जनवरी में, अब बताओ किस तरीके से कैसे तैयारी कर लेंगे जनवरी तक, आप कर लेंगे? अगर आपने पहले से पढ़ा या कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की है तो मैं मान सकता हूँ कर लेंगे, लेकिन जिसने बिल्कुल ही किताब नहीं छोड़ी और भले ही आपने पहले से पढ़ा हो, अगर आपने कई महीने का गैप लगा रखा है पढ़ाई में तो एक साथ चीज़ें कवर नहीं होती, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आ जाए कि मुझे अभी पढ़ाई शुरू नहीं करनी है, बाद में करनी है। मैंने एक बात आपसे हमेशा कही है, चाहे आप कम पढ़ो चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन रेगुलर आप पढ़ते रहो, अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखो। तो इस वजह से आप बिल्कुल तैयार रहिए अपनी इस भर्ती के लिए, कॉन्स्टेबल RSI के लिए। और मैं जो वीडियो से शुरू में कहा था वो मैं फिर कह रहा हूँ, या तो इसको जाने दीजिए या इसमें जान लगा दीजिए। अगर आपका इस भर्ती को पाने का सपना है तो दोस्तों इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात जगना पड़ेगा, जितना भी आपके पास टाइम हो आपको सारा का सारा पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। अपना जितना भी समय है ना जो जरूरी कामों के अलावा, वो अपना सिर्फ और सिर्फ किताबों के लिए दीजिए। इस तरीके से मेहनत करिए कि आपके घर वाले और आपके सभी जो चाहने वाले वो देखते रह जाएं कि मेरे बेटे ने या मेरे बेटा ने कुछ करके दिखाया है इस बार हमें, ठीक है। तो दोस्तों आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए, और मैं आपके साथ तब तक साथ खड़ा रहूँगा जब तक आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो जाते। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।